अरे भारत के हिंदुओं, अरे वो भारत में रहने वाले इंसानों, इस गौ माता ने हमारे साथ भेद नहीं, भाव नहीं बरता, पर तुमने दूध पिया, उसके बच्चे को नहीं पीने दिया, उस बच्चे को नहीं पिलाया, जिस माँ ने हमको और तुमको अपने शरीर रक्त से मज्जा से बना हुआ जो पय दूध था वो पिलाया, पर हम कितने निकम्मे हैं, हम कितने निर्लज्ज हैं, हम कितने एहसान परामोश हैं, जिस गाय के दूध को पी करके हमने अपना फर्ज अदा नहीं किया, ऐसे लोगों को धिक्कार है। भाई तो कहते हैं ना, दूध का कर्ज, दूध के कर्ज को जिसने नहीं निभाया उसको धिक्कार है। ये गौ माता वे जवान, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, जैन हो या पारसी, बौद्ध हो, कोई भी हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। ये गौ माँ कहती है, बताओ दुनिया वालों कि तू हिंदू नहीं है, मैं तुझे दूध नहीं दूंगी, तुम मुझे काटता है, मैं तुझे दूध नहीं दूंगी। ये गौ माँ जब हमारे और तुम्हारे साथ में भेदभाव नहीं कर रही है, मैं पूछना चाहता हूँ दुनिया वालों से, तो इस वे जवान गौ माता के साथ अन्याय क्यों? हमारा ये मानव समाज भी अन्याय कर रहा है, हमारी सरकारें भी कर रही हैं, क्यों? क्योंकि हमने अपना जमीर बेच दिया है, हमने जमीन को बेच दिया है। जो जमीन बेच देता है, जमीर बेच देता है, वह इंसान नहीं होता है। भाई ये प्रश्न कर रहा हूं दुनिया वालों, या तो गाय का दूध पीना बंद कर दो, या गौ हत्या करना बंद कर दो, या तो गाय को आप लो। वैतरणी नदी से जाने की जब बात होती है तो आप सब लाचार बीमार वृद्ध होकर के ब्राह्मण के पास जाते हो, और ब्राह्मण कहता है गौदान कर दो, आप गौदान करते हो और हमारे बुजुर्ग तर जाते हैं। जब गौ माता की याद आती है, जब कोई पूजा होती है तो गाय के गोबर की याद आती है, बीमार कोई होता है तो गौमूत्र की याद आती है, जब गाय के घी की नाक में डालने की बात आए तो गाय के घी की यह बात याद आती है, और जब हवन यज्ञ करने की बात आए तो गाय के घी की बात याद आती है, पर गाय की सेवा की बात याद नहीं आती, क्यों? धिक्कार है ऐसे समाज को जो गौ माता अपना पंचगव्य हमें दे करके क्या करती है। जब गाय नहीं होगी तो गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी तो गोपाल कहाँ होंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, जो हर घर में जिन्होंने लड्डू गोपाल का मूर्ति विग्रह विराजमान किया हुआ है, तुम्हारे क्या हाथ नहीं कांपते, गाय की सेवा करते नहीं और गोपाल की सेवा करते हो? मेरा गोपाल कहता है, मैं उसकी ही पूजा को, उसी की सेवा को स्वीकार करता हूँ जो मेरी गाय की सेवा करता है। जब तक गाय की हम सेवा नहीं करते, हमारे हाथ कभी पवित्र नहीं होते। हमारे हाथ पवित्र होते ही तब हैं जब हम गाय के ऊपर जब अपना हाथ फेराते हैं, सहलाते हैं, गाय को मलमल निहलाते हैं, गाय को हम खुजेरा करते हैं, गाय को जब आलिंगन करते हैं, तब दुनिया वालों हम पूजा के योग होते हैं। जैसे हम शौच जाने के बाद हाथ प्रक्षालन मिट्टी से, साबुन इत्यादि के संसाधनों से करने के बाद ऐसा महसूस होता है, मेरा हाथ शुद्ध हो गया, तब आप कोई काम करते हो, उसी तरह दुनिया वालों, जब तक हम गाय की सेवा नहीं करते, गाय का गोबर नहीं उठाते, गाय की झाड़ू नहीं लगाते, गाय का आलिंगन नहीं करते, तब तक हम सेवा के योग नहीं होते।
कितने लोग हैं जो दुनिया में ये भाव से गोविंद की सेवा करते हैं। दुनिया वालों, पीतल के विग्रह को खरीद कर घर में बिठाकर गोपाल मिलने वाला नहीं है, गोपाल उसे ही मिलता है जो मेरी गाय के सेवा करता है, जो मेरी गाय का बनता है वह गोपाल का बनता है। तो